नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही चर्चा पूरी होने पर मतदान भी होगा। इसके साथ ही आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान लोकसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होगी। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो उच्च सदन में आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यों पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान राज्यसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। यह सम्मेलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री भी भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता, जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास है। मेरा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों में राज्यपालों की भूमिका तथा प्राकृतिक खेती, जनता से संपर्क बढ़ाना तथा राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका भी शामिल है। राज्यपाल अलग अलग समूहों में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुति देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के झूठे आरोपों पर जमकर बरसे और कहा कि बुलडोजर आम आदमी के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में हुई नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी को 60% हिस्सेदारी मिली है। हमने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में किसी भी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसी को भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की कोई जगह नहीं है। धर्म परिवर्तन की घटनाओं की गंभीरता और लोगों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया है। सपा की सरकार में मिशनरीज को खूब बढ़ावा दिया गया था। लखनऊ का मोहनलालगंज इलाका मिशनरीज के कुछ सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्रों में से एक है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादविंदु और 11 अन्य के नाम शामिल हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया था। यह मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली है और बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों समेत 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार करने की विस्तृत कारणों के साथ अपना निर्णय सुनाएगा। 23 जुलाई को शीर्ष अदालत ने पुनः परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मृतक छात्रों की स्मृति में 4 पुस्तकालय स्थापित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी लिखा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पानी में डूबकर 3 एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी थी, इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र कोचिंग केंद्रों में अपनी पुख्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जितनी जल्दी उनकी परेशानी का समाधान होगा उतनी जल्दी वो अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 12 लोगों की मौत हो गई। बिहार के गया में 5, नालंदा में 2, रोहतास में 2 और जहानाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। केरल के वायनाड में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है। अभी आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी स्थिति की जानकारी ली है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज अभिनव को तैनात किया जा रहा है, जो वायनाड में आपदा राहत शिविरों में वितरण के लिए जीवन रक्षक उपकरण, राहत सामग्री, दवाइयां और ताजा पानी लेकर जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां C-17 विमानों के बचाव सहायता कार्यों के लिए बेली ब्रिज, डॉग स्क्वाड, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक उपकरणों जैसे 53 मीट्रिक टन आवश्यक साजो सामान की आपूर्ति की है। पहाड़ी इलाकों में मॉनसून की बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने से 50 से अधिक लोग लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से मामले में प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावित को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद यहां राहत कार्य जोरों से चल रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करके वहां के हालात की जानकारी ली। दरअसल शिमला और कुल्लू जिलों में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिमला के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने से काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। चंबा में भी बादल फटने से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। फील्ड कर्मचारी सहित अन्य अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, सोलन सहित कई जिलों में 2 से 6 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी स्थिति की जानकारी ली। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक, Mi-17, 3 टैंकर और ATF की मदद भी केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर PMO ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली है। इसके साथ ही केदारनाथ में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर निकले कई श्रद्धालुओं को विपरीत मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्री पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण फंसे हुए हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए गए मध्य प्रदेश के लोग केदारनाथ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार से सतत संपर्क में है। मॉनसून के बादल इस बार इस कदर बरस रहे हैं कि मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग ने इस सप्ताह दिल्ली में ज्यादा वर्षा होने की संभावना जताई है। आज सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। वहीं बुधवार को हुई भारी बारिश की वजह से अधिकांश हिस्से डूब गए थे। भारी बारिश के चलते ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ, जिससे सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कई जगहों पर बारिश हुई। उत्तरी गुजरात में अच्छी बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में यह लगभग 75% है। वहीं राज्य के नगर जिले में यह लगभग 45% है। गुजरात के कच्छ में औसत बारिश 85% के आसपास हुई है। IMD ने आज से 7 अगस्त तक पूरे गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी के साथ चेतावनी भी दी है। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर लंबी यात्रा करते हुए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने दर्शन पूजन किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाए आवियो। हां ए ए ए आ आ आ आ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी, MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद सरकार ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। सरकार ने अब 50 अमृत भारत ट्रेनें और बनाने का फैसला किया है। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में 2500 जनरल कोच बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस तरह के कुल 10,000 कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने यूपी की राजधानी लखनऊ में स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मेटा AI के उपयोग के मामले में भारत सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी सुसान ली ने कंपनी के कैलेंडर वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजों की जानकारी देते हुए यह बात कही। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर जून में करीब 88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं 9.59 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और 7.63 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स में पंजीकरण कराया है। महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप अगले 3 वर्षों में देश के विकास और इनोवेशन एवं रोजगार सृजन के लिए 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने जुलाई में छलांग लगाई। जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करीब 28% से बढ़कर 1,78,948 तक पहुंची। सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करना जरूरी है। इसका मतलब है कि बैंक के पास 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए। MPS मेंटेन करने के लिए बैंकों के पास 1 अगस्त 2024 तक की समय सीमा थी। इस समय सीमा को सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ा दिया। देश में चालू कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही अप्रैल जून में 5G स्मार्टफोन की बिक्री बढ़कर 77% पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर भारत 8% वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखता है तो 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 127 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया है। अडानी एंटरप्राइजेस का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 1455 करोड़ रुपए हो गया है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। जुलाई में कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपए रहा। देश की सबसे बड़ी घरेलू दवा निर्माता कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40% बढ़कर 2,836 करोड़ रुपए हो गया। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने अपने कारोबार को 2 इकाइयों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि डीमर्जर होने में लगभग 12 से 15 महीने लग सकते हैं। लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करके भारतीयों को लेबनान की सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीयों को सावधानी बरतने, गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और बेरूत में ईमेल के जरिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 9617686128 भी जारी किया है। चीन में तूफान गेमी से तहलका मचा हुआ है। तूफान के कारण भारी बारिश से मरने वालों की संख्या लगभग अब 30 हो गई है। वहीं इस बारिश ने शहर में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचाया है और लगभग 1300 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में इसराइल का समर्थन करने के लिए नई अमेरिकी सैन्य तैनाती पर चर्चा की है। तेहरान में हमास के एक शीर्ष नेता इस्माइल हनिये और हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बाद बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका ईरान से सभी खतरों के खिलाफ इसराइल की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों के खिलाफ खतरों में नई रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती की भी बात कही गई है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में व्यापक तनाव को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी जोर दिया है। अमेरिका के कोलोराडो के अलेक्जेंडर माउंटेन में आग 5000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई। स्टोन कैनियन फायर नामक एक नई आग भी कोलोराडो में फ्रंट रेंज के दक्षिण में लगी। हिजबुल्ला और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल इसराइल के गोलान हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर हिजबुल्ला की ओर से किए गए हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसराइल ने हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर फुआद को बेरूत में मार गिराया। फुआद की मौत के 48 घंटे बाद हिजबुल्ला ने इसराइल के पश्चिमी गैलीली पर रॉकेट हमले किए और इसकी जिम्मेदारी भी ली। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने पहले लेबनान के चामा गांव में इसराइली हमले के जवाब में मैचुबा के उत्तरी सीमा समुदाय पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। चामा में कथित तौर पर 4 सीरियाई मारे गए और कई लेबनानी नागरिक घायल हो गए। अमेरिका और रूस ने सोवियत इतिहास के बाद सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली की है। इसके तहत रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गैर्शकोविच और मिशिगन के कॉरपोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल वेलन को रिहा कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में शुक्रवार को निशानेबाजी में पुरुषों के स्कीट में के क्वालिफिकेशन में अनंतजीत सिंह नरू का हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर तीसरे पदक की दावेदारी के लिए 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में उतरेंगी। मनु के अलावा ईशा सिंह भी क्वालिफिकेशन में नजर आएंगी। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ कोर्स पर दिखाई देंगे। तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा शुरू हो भारत की तरफ से अंकित भगत और धीरज बोमदेवरा एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। जूडो में भारत की तुलिका मान राउंड ऑफ 32 में हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 78 किलो भार वर्ग में तुलिका का सामना क्यूबा के खिलाड़ी से होगा। सेलिंग में भारत की नेत्रा कुमारन महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में रेस 3 और रेस 4 में हिस्सा लेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वानंद रेस 3 और रेस 4 में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देंगे।
बैडमिंटन में शाम 6:30 पर लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के खिलाड़ी से होगा। एथलेटिक्स में महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी हिस्सा लेंगे। ये रेस रात में 9:40 पर शुरू होगी। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। भारत के लिए यह पहला मुकाबला काफी अहम होने वाला है। पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल खोसले ने भारत को तीसरा पदक दिलाया है। स्वप्निल ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओलंपिक खेलों में भारत को तीसरा पदक दिलाने वाले स्वप्निल खोसले को पदक जीतने पर बधाई दी और अन्य स्पर्धाओं में भाग लेने वाले एथलीटों को शुभकामनाएं भी दी। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल खोसले और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच में काफी समानताएं हैं। धोनी ने भी अपने करियर की शुरुआत टिकट कलेक्टर के तौर पर की थी। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल खोसले को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। उनकी इस जीत पर मध्य रेलवे ने उनका प्रमोशन कर दिया और अब वे अधिकारी बन गए हैं। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक में रेफरी की भूमिका निभाने वाले देश के सबसे युवा रेफरी बन गए हैं। साई अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में नजर आएंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सफर पेरिस ओलंपिक में प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया है। सिंधु को चीन की हे बिंग जाओ के हाथों हार झेलनी पड़ी। क्रिएटर राज एंड जीके की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वरुण धवन और समांथा रूथ प्रभु दिखाई दे रहे हैं। फिल्म गुड़चड़ी में संजय दत्त, रवीना टंडन, पार्थ समथान भूमिका में है। फिल्म 9 अगस्त को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। 15 अगस्त को रिलीज होने वाली राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का नया गाना आई नहीं की झलक दिखाई दी गई है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर से आने के लिए तैयार है और साथ ही शो का तीसरे और फाइनल सीजन का साल 2025 में आएगा। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 27 साल बाद फिर से आ रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म फतेह 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। फतेह को देश की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म बताया गया है। जासूसी ड्रामा सीरीज शेखर होम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सीरीज 15 अगस्त को जियो सिनेमा पर प्रीमियर के लिए तैयार है। रजनीकांत अपनी आगामी फिल्म चेलर 2, कुली, थलाइवर, 174 और बैक्ट्रियन में नजर आएंगे। फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। 11/11 वेब सीरीज में अभिनेत्री कृतिका कामरा भी मुख्य भूमिका में है। ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर 9 अगस्त को प्रीमियर होगी। भोजपुरी फिल्म जया सिनेमाघरों में रिलीज होने को है तैयार। फिल्म निर्माता रत्नाकर ने बताया कि 2 अगस्त को मूवी रिलीज कर दी जाएगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।